Siraldo. Sira. Sira. इतने साल से तुम मुझे पूछ रहे हो कि ये इंसाफ की तलवार है। तलवार तभी निकलती है बाहर, पहले जाती नहीं है लेकिन तभी निकलती है बाहर जब ना इंसाफी होती है, जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। ओके, और आज हुआ है हाइजीन का वायलेशन। ओके, आज हुआ है क्या हुआ? आज हुए है स्ट्रीट वेंडर्स रूड। वो सामने से लेकर दिखता है, वो लगते हुए वीडियो बनाने आए। तो आज चलेगी ये इंसाफ की तलवार। ओहो, क्या चल रहा है? मैं इश्केश वाला AKA थगेश। आज हम लोग बात करने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स की। इस डॉली की टपरी, कचोरी वाला अंकल, ये दोनों ने मिलके इंडिया का जो नाम खराब किया है पूरे वर्ल्ड वाइड, आज मैं इनका नाम खराब करूं। तो डॉली की टपरी राइम करता है डॉली छपरी से, पता नहीं क्यों। देखो, इंडिया में जनरली लोगों को डर लगता है कहीं खाने गए स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट फूड वाला अनहाइजेनिक निकला तो। अभी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है स्ट्रीट फूड खाने गए और वो मोटिवेशनल स्पीकर निकला तो। साले के इतने रहे पर मारवट पे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर। ये तो मेहनत का फल है ना साहब। आ गए ना सीधा बिल गेट सर को चाय पिलाकर, समझने का काम है। डॉली भाई, हमारे पास ऑलरेडी एक मोटिवेशनल चाय वाला है जिसको आजकल खुद मोटिवेशन की जरूरत है। अपने स्टाइल में देता हूँ चाय, लोग कहते हैं मुझे छपरी। गूगल करके देख, MBA चाय वाले से भी ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। अब तू बड़ा हो गया ना भाई, हमसे थोड़ी पूछेगा भाई तू। जाने दे भाई, कुछ बोला तो नोटिस बिटिस भेज देता है बाद में। तो मेरे को पता था मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था। मेरे ईगो तो बहुत। क्या फायदा प्रफुल भाई, जब इतना फंडिंग फ्रेंचाइजी सब दे लेके एक रूड छपरी आदमी पॉर्क्यूपाइन बाल वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब कर जाए। मेरे को लगता है बिल गेट्स का प्लान होगा प्रफुल के साथ चाय पीने का, लेकिन फिर एक आध पनौती वाला मीम देख लिया होगा। जाएगा, आ रहा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती? इतना बड़ा नहीं, पनौतियों का शहंशाह है वो। ओए आ जा। अडानी को नंबर वन से नीचे गिरा सकता है तो फिर बच्चे IIM, IAS, IIT, IIU, IIA पता नहीं क्या क्या करके माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ढूंढने जाते हैं फिर भी नहीं मिलता है। ये देखो, चाय बेच के बिल गेट्स के साथ कोलैब करके आया। बिल गेट्स ने अपने वीडियो में लिखा होम टू इनक्रेडिबल इनोवेशंस। ये इनोवेशन है? नहीं, मतलब इनोवेशन तो किया डॉली भाई ने, ऐसा चाय कोई बनाता नहीं है। हेलो, ये कैसा इनोवेशन है? दूध थैली से निकलता है तो व्हाइट निकलता है, पतेली तक पहुंचने तक रेड हो जाता है। किस बात ने बनाई ये चाय? बिल गेट्स को कितना चिढ़ाते रहेंगे जुकरबर्ग वगैरह ये सब देख के। ए थूक वाली चाय पी के आया, थूक वाली चाय पी के आया। बेचारा बिल गेट्स सोचता होगा मैंने तो केसर चाय मंगाई नहीं, केसर वाली चाय कैसे बन गई। भाई उसके मुंह में केसर ऑलरेडी रहता है हमेशा, समझो। लेकिन डॉली भाई नॉर्मल इंसान नहीं है, डॉली भाई फेमस है, विजय राज से भी ज्यादा फेमस। फोटो किसको बना था? इधर आ रहे, ठीक है। वेलकम। भाई को लग रहा है वो विजय राज है। एक कौन रह गया? तू गुटका बाज है। और लोगों को चाय पी के डायबिटीज होती है, यहाँ विमल वाली चाय पी के कैंसर भी होगा। वेलकम वेलकम। बात करने के लिए समय नहीं, चाय पिलाने के लिए समय नहीं, चाय पिलाने के लिए समय नहीं। बोल रहा है बात करने का टाइम नहीं है, फोटो खिंचाने का टाइम नहीं है, चाय बनाने का टाइम नहीं है, तो दुकान क्यों खोला है? चाय की दुकान पे यही सब होता है ना, और क्या होता है? नहीं भाई, नशा मुक्ति केंद्र अभी तो जाना होगा, अटेंडेंस लगा। इधर एक तो लोग अपना बिजी लाइफ जी रहे, कुछ खाने को चाहिए अच्छा, उसमें भी ये लोग रूड होते हैं। रुकने का टाइम नहीं लोगों को, दो मिनट, इतना चैलेंज है इन चॉइस ऑफ लिविंग। इसमें बाल कितने डैमेज होते हैं पता है? सुनो ध्यान से, नहीं सुनो सुनो, पोल्यूशन, सनी वेदर, बालों का ट्रीटमेंट, ये सबसे बाल ना बहुत डैमेज होते हैं। फिर जो हमारा मूव ऑन वाला एटीट्यूड होता है वो फुस। तो ऐसे में बेस्ट मैंने यूज किया मामा अर्थ का डैमेज रिपेयर हिबिस्कस हेयर ऑयल। इससे रिडेम्पशन होता है, जो भी बालों का नुकसान हमने किया है ना सालों से, इसमें हिबिस्कस एंड करी लीव जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, रूट्स को नरिश करता है। इसे आपके रफ, ड्राई, डैमेज, टैंगल्ड या स्प्लिट एंड्स है तो उसको रिपेयर करता है, ठीक करता है। एंड आई नो ऑनेस्टली सबको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू यूज करता हूँ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, जो कि बाकी केमिकल वाले शैम्पू से 100 टाइम्स बेटर है। जब ये लगा कि अपने आपको मिरर में देखोगे ना, आपको फील आएगा कि आए हाय 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 क्या बाल स्ट्रांग हो गए। एंड आपको तो बताइए, व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम मामा अर्थ, मामा अर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज 2025। एंड वो ट्री आप ट्रैक भी कर सकते हो आपके ऑर्डर से। एंड आपको पता है मामा अर्थ अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। तो कहीं भी आपको प्रोडक्ट दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड मेरा कोड तो है थगेश 2024,
4 जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा mama.in उसके ऐप पे सारे प्रोडक्ट्स पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर लेना। बालों का ध्यान रखो भाई। यू माइट बी थिंकिंग क्यों रोस्ट कर रहा हो। देखो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय बनाए, चाय बेचे, पैसा कमाए, लेकिन रूड क्यों हो रहा है डोली भाई। देखो चाय वाले जब ऐसे रूड होने लगते हैं ना, उनके धंधे की डोली उठने में टाइम नहीं लगता है। और फिर क्या, फिर इस चीज से डोली भाई को मजबूत वाला हाइप मिला, न्यूज कवरेज मिला। मेरे को लगता है बिल गेट्स को भी गलत चाय वाले का एड्रेस मिला, बेचारा मोदी जी के पास जाने वाला होगा, इसको डोली के पास भेज दिया। इसलिए बोलता हूँ बिल गेट्स, आपका बिंग सफारी जो भी है कितना भी एडवांस हो जाए, इंडिया में एड्रेस टपरी वाले से ही पूछते। जमाना कुछ नहीं बोलता है, बोलता है तो सिर्फ पैसा। जमाना बहुत कुछ बोलता है, लेकिन क्या बोलता है ऐसे एक्सेंट में तो जमाना बोलता ही नहीं है। बोलता है तो सिर्फ क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। बट ये पुराना ट्रेंड है, फोर्थ हैंड गाड़ी में थर्ड हैंड गॉगल डाल के सेकंड हैंड डायलॉग्स मारना, ये टिकटॉकर जमानों से करते आ रहे। एक तो फ्लाइट कार सब में बिल गेट्स ने कितना टिप दिया है भाई तेरे को। भाई इतने रंग हमारे जिंदगी में नहीं है, इतने रंग इसने अपने चश्मों के एक रील में बदल दिए। देख रहे हो पीला काला लाल। भाई कसम से लग रहा है मुर्गा आ गया प्लेन में। ए भाई पीछे से नेक्स्ट ऑन प्लेन, पता है मूवी आई थी रेप्टाइल्स ऑन प्लेन आनी चाहिए। चाय और लैम्बोर्गिनी का क्या लेना देना, खरीद तो है नहीं पक्का। माना अभी गुटका और लैम्बोर्गिनी का कलर एक ही होता है, मेरे को तो लग रहा है लैम्बोर्गिनी पहले व्हाइट होगी, थूक थूक के लाल कर दिया इसको। भाई ने लेकिन टच किसी को नहीं किया, ना बिल गेट्स को टच करने मिला ना लैम्बो को। लोग तो ये भी बोल रहे हैं इसने 15 रुपीज मांगा था चाय का, गलती से बिल गेट्स ने 15 करोड़ सुन लिया। पैसे का खेल। एंड मेन चीज ये जो जिस चीज पे उड़ रहा है ना, ये इसको पता भी नहीं था इसने किसको चाय पिलाई है। यस ये देखो इंटरव्यू। कैसा लगा आपको, क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। यस भाई को लगा किसी अंग्रेज को चाय पिलानी है, भाई ने पिला दी। नेक्स्ट सीईओ इज द राइट पर्सन फॉर द राइट टाइम फॉर द कंपनी वी बोथ लव। अरे साइड से ले, कहाँ से कैसे, वो सामने से लेगा तो दिखता है, वो लगते हुए वीडियो बनाने आए मोबाइल नीचे का। पीछे वाले आदमी ने देखो चाय पीना छोड़ दिया कि ये करके मेरे को चाय दे रहे हैं। नो वेट। दोनों सेम नहीं लग रहे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दोनों का बाल बता रहा हूँ, बाल देखो दोनों का सेम नहीं लग रहा है। वो गिरगिट भी कम छपरी लग रहा है डॉली से। अपने साथ मत जोड़िए हमको। ने रंग ये गिरगिट नहीं बदलता होगा ना, उससे ज्यादा रंग तो डॉली भाई अपने चश्मे के बदल देते, तुमको क्या मालूम। लेकिन गिरगिट देखो कितना समझदार है, उसकी जबान तो डॉली से भी बड़ी है, फिर भी वो चाय का दूध पीने के लिए बाहर तो नहीं निकालता। लोगों को जलाने के लिए हम नहीं, हमारे तो सिर्फ स्टाइल ही काफी है। क्या स्टाइल भाई, एक किड सेक्शन से कपड़े उठाए क्या, थोड़ा सा हिलेगा ना डॉली भाई, इतनी टाइट शर्ट पैंट में से बटन निकल के सीधा कैमरामैन पे घुस जाएंगे। एक तो बेल्ट देखो भाई, जंजीर बांधी है भाई, दो गेट पकड़ने के लिए एक बड़ा जंजीर होता है ना, वैसे शर्ट और पैंट पकड़ने के लिए इसका बेल्ट है, वो बॉडी को बेल्ट ही बचा के रखा है, तो बॉडी अलग होने वाला है। साला मैं इतने साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, आज तक किसी ने साला फैन फेस्ट पे नहीं बुलाया, और इसको देखो लाली छगानी एंग्री कचोरी वाले को गुस्सा क्यों आता है। इस सामने वाले जो हाथ देख रहे सब नकली है, सपोज कीजिए जो ब्रोकर कोई आया होगा, हो सकता है उसमें एक दो पीस खजूरी कोई ऑयल निकल गई और वो उसी के चली गई हो, तो ये तो सोच बोले कहने की जाता है रोली कचोरी बेचता है। ये कचोरी वाले अंकल का भी पॉडकास्ट आने लगा, और मेन सवाल क्या था, इनको गुस्सा क्यों आता है। अरे भाई आजकल भाई सब पॉडकास्ट में आ रहे, कल को किसी आतंकवादी को लेके आएंगे, बोलेंगे मकसद क्यों नहीं हो रहा पूरा, क्यों नहीं हो रहा मकसद पूरा। तो बेसिकली ये कचौड़ी वाले अंकल ने सिंगल हैंडेडली इंडिया का हाइजीन, पूरा हाइजीन का रेपुटेशन कम कर दिया वर्ल्ड वाइड। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Get your ass out of here. बात नहीं करेगा।
गाली मत दीजिए। सुअर का बच्चा जितना बोलता था सुन सुअर का। दो सेकंड के लिए लगा बिग बॉस देख रहा हूँ। कभी कभी लगता है इतना चिल्ला रहे अंकल रिपब्लिक टीवी पे होना चाहिए। हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, सुअर का बच्चा। ये पहले इंसान है जिनके दुकान पे कस्टमर सर्विस नहीं, कस्टमर डिस सर्विस होती है। जो भी कस्टमर आते हैं सब पे भड़कते ही है। लोगों को रिव्यूज में स्टार मिलते हैं, अंकल को सिर्फ एंग्री इमोजीज मिलते हैं। अंकल कैश बैक नहीं देते, रिटर्न में सिर्फ गालियां देते। अरे आप ही तो बोलते हैं कि सर्विस छोड़ दो। 12 बजे पहले कोई बात नहीं कीजिएगा। अरे हम भी तो बहुत दूर से अंकल जी, इधर थोड़ी ना है। बोलेगा तो भाड़ा लेने ऐसे। रिकॉर्डिंग कर रहे हो सौ आदमी आता है यहाँ पे यूट्यूब वाला। एक तो ये यूट्यूब वाले भी कम नहीं है। अंकल जी आपको फेमस भी यूट्यूबर्स नहीं किया है ना, अभी और हो रहे हो थोड़े यहाँ से। मेन चीज ये है कि अंकल के दुकान का हाइजीन लेवल बहुत डाउन है। अंकल का टी शर्ट हमेशा छोले बिले से भरा रहता है, अंकल का पूरा पैंट भरा रहता है, देख सकते हो आप। तो इसलिए फूड ब्लॉगर्स वहाँ पे जाते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या है ये हाइजीन लेवल, ये क्या क्यों कर रहे हो ये, और अंकल भड़क जाते हैं उनपे कि साला मैं 20 साल से 30 साल से दुकान चला रहा हूँ और एक साल में मेरे को इतना बदनाम कर रहे हो। पगला हो जाएगा, बोलेगा तो करेगा तो पगला हो जाएगा। इतना गुस्सा तो अंकल हुए नहीं जितना भाई टाइटल में डाला है। गवा अनपढ़ है क्या? बट अंकल का एक बात है कि अंकल एक प्लेट कचौड़ी बनाते तो दो प्लेट कचौड़ी गिरा देते नीचे। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. बोले क्या बोले क्या बोले दो बार बोल चुका हूँ यार, बह रहा है क्या? नहीं हम बोले ये वाला कचौड़ी गिर गया था क्या? गिर कहाँ गया आपके सामने? नहीं नहीं हम जैसे ऐसे पूछे यहाँ को उठा के देखो तो सब्जी गिरेगा ही कचौड़ी पे। नहीं हम बोल मेरा वो मतलब नहीं था। कल देखो इतना आप वेस्ट कर रहे हो ना, तभी अफ्रीका के बच्चों के कमेंट आते हैं आपके इसमें। सॉरी यार मैं डार्क क्यों होते जा रहा हूँ आजकल, डार्क वेस्ट चल रहा है। एक तो ये भड़कते ऐसा है ना, ऐसा लगता है दिन में कचौड़ी बेचते है रात को सुपारी लेते। क्या बोले आप? वैसे सब्जी में क्या क्या होता है? बेचारे फूड ब्लॉगर ने पूछा सब्जी में क्या क्या होता है। वैसे सब्जी में क्या क्या होता है? मैं बता रहा हूँ ना, ये फूड ब्लॉगर ना अपने घर पे ना यहाँ पे आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते होंगे कि अगर मैं वापस नहीं आया तो जायदाद इसके नाम उसके नाम, वो डेंजर है अंकल। एनीवेज हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। देखो अगर ऐसे ही लाल बाल वाले फेमस होने लगे ना तो एक दिन देश का नेशनल एनिमल गिरगिट रखना पड़ेगा। डॉली भाई अगर आप देखो तो डॉली भाई ने बाउंसर्स भी रखे अपने आसपास, उनका एक ही काम है सेफ्टी देना लोगों को डॉली की चाय से। डॉली भाई का एक रैप गाना भी आया था, पहली बार सिर्फ चाय पी के मुंह से खून आता था, अब गाना सुन के कान से खून आ रहा है। तेरे काए हाँ हिप हॉप के खेल में अपन अकेले चाय, अरे पहले था फेमस अब गले में टाए, अरे फेमस से बोले हाँ डॉली की चाय। बेसिकली रजनीगंधा को डॉली भाई को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। मुंह में रजनीगंधा रहता है और कदमों में तो दुनिया आ ही गई है। और इतना सक्सेस मिला है डॉली भाई को कि बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स भी डॉली भाई से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे। सोचो कि वो उनके कपड़े पहन के ना घूमे सफेद कपड़ा। बट ये कचौड़ी वाले अंकल, ये डॉली भाई, बीटेक पानीपुरी वाली, ये लोगों को कभी ना मास्टर शेफ में एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खाना बनाने के पैसे मिलते हैं, लोगों को बनाने के नहीं। पहले हर गली नुक्कड़ पे एक वड़ा पाव पानीपुरी वाला मिल जाता था, अभी देखो वो तो मिलते ही है लेकिन उनके साथ दो चार फूड ब्लॉगर भी मिल जाते जो अमूल बटर को देख के खुश हो रहे होते। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इंसाफ की तलवार का धार चला गया अभी, तो उसके लिए तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा महेश केशवाला @ पे। मैं आज कुछ भूल क्यों रहा हूँ, मैं सिंपल सिंपल लाइन आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और आपको करना पड़ेगा ये चैनल पे सब्सक्राइब। एंड पिछला वीडियो हमने बनाया था JJ कम्युनिकेशन एंड फ्री मोबाइल गिफ्ट शॉप वालों पे, तो यहाँ टैप करके देख लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।